मैं हूँ प्रीति। अपने चैनल श्री व्लॉग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूजी का एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, क्योंकि सूजी बहुत हल्का होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या लगता है मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें एक कटोरी जितना पानी ले लिया है मैंने, ये देखिए बाउल में, और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मैंने डाल लिया हुआ है नमक। अब उसके लिए बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मैंने यहाँ लिया है एक प्याज लिया है, छोटा धनिया लिया है और एक बड़ा टमाटर लिया है। इसे डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डाली हूँ चिली फ्लेक्स क्योंकि मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। और इसके लिए हमें लगेगा एक कटोरी सूजी, इसे हमें इस बाउल में डाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाल लिया है। अब डाल के हम इसे चलाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच सोडा ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स हम लोग इसमें। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है और देखिए इसमें बबल्स आने चालू हो गए हैं। देखिए हमारा बैटर काफ़ी बबल्स आ रहे हैं हमारे बैटर में। ये बैटर्स में बबल इसलिए अच्छे से आ रहे हैं क्योंकि हमने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया था। देखिए फ्रेंड्स, एकदम जालीदार आ रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं पूरा इसमें जाली बन गया है। अब इसको चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आज मैं आपको चिली फ्लेक्स डाल के दिखा देती हूँ। देखिए ये होममेड है फ्रेंड, मैंने इसे घर पे ही बनाया है। मैं अपनी इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी तरीके से बनाया गया चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये चिली फ्लेक्स आपको अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने बबल्स आ गए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने चॉप किया था एक टमाटर, मैं इसे ऐड कर लूँगी। उसके बाद हम ये ऑनियन ऐड कर लेंगे। हम इससे डालने से हमारे बबल्स बहुत ही अच्छे आते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसमें धनिया डाल देंगे, मैंने लिया हुआ है यहाँ। देखिए अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है फ्रेंड इसे हमें। ये देखिए इसमें इसकी एक एक बाइट बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपने इसे बनाया है तो आपको और आपके घर में सबको कैसे लगी ये मेरे को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और नई नई इजी तरीके से मैं आपके लिए ये सब चीज़ डिश वगैरह बनाऊं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा फ्रेंड्स। मैंने इसमें प्योर नमक डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी नवरात्र का सीज़न चल रहा है, लोग उपवास करते हैं, तो इसमें आप नमक न डाल के जो हमारा सेंधा नमक आता है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको काकबर सेंधा नमक से करी हुई भी डिश मैं आपको बना के बताऊंगी उपवास के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ फेंट लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे क्योंकि सूजी फूलता है। अगर आप 10 मिनट के रेस्ट के बाद आप देखेंगे सूजी अगर फूल जाए, अगर पानी अगर हमें इसमें ऐड करना होगा तो हम एक दो टीस्पून ही ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सूजी फूलता है। चलिए फ्रेंड, हम इसे रेस्ट पे रखते हैं। ये फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैटर। ये मेरा बैटर हो चुका है, ये देखिए।
इसकी जो कंसिस्टी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आई है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, मुझे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक कटोरी सूजी के लिए 1.5 कटोरी पानी लिया हुआ था और मैंने 1.5 कटोरी पानी में ही इसे ऐड किए हैं। मुझे लग रहा था कि सूजी और फूलेगा, फूल के अगर पानी कम ज़्यादा होता है तो हम उसे ऐड कर लेंगे पानी थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी बैटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए एक पैन ले लिए हुआ है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बिना इस पैन के ही बनाने के लिए बता दूंगी। ये अप्पे बहुत ही सुंदर बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम इसमें गैस को ऑन कर लेंगे फ्रेंड, ये मैंने ऑन कर दिया है वह, अब हम इसे गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पैन को, अप्पे पैन है मेरा, मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लिया है, ये हम इस तरीके से इसे डाल लेंगे, ये गर्म रहता है। इस तरीके से हमें इसमें ऑयल ग्रीस कर लेना है। देखिए मैंने कितने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हमें डालने हैं ये सूजी के जो मैंने पेस्ट बैटर बनाया है फ्रेंड्स, ये देखिए उसे हमें चम्मच में लेके ऐसे डाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से डाल देना है, ये मैं डाल लूँगी ऐसी करके, हमें सारे इस पैन में डाल देने हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डाल लिया हुआ है, इसे पूरा पैक नहीं करना है क्योंकि सूजी हमारा फूलता है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ये मैंने ढक दिया है, अब मीडियम में ही रखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम इसे खोल के देख लेंगे, ये देखिए हमारा सूजी हमें ऐसे करके इसमें देख लेना है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरी नोक में नहीं चिपक रही है। अब हम इस स्टिक की सहायता से हम इसे पलट लेंगे फ्रेंड्स, ये हमें ऐसे दोनों तरफ इसे सेक लेना है। ये बहुत ही सुंदर बने हैं फ्रेंड्स, इसमें स्पंज भी काफ़ी अच्छा आया है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी इजली ये बिल्कुल पैन में चिपके नहीं और ये इजली से निकल गया है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमें सारे ऐसे पलट लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे को पलट लिए हैं, अब हम इसे थोड़े देर 2 मिनट के लिए ही सिकने देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है। हम इसे देखते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये दोनों तरीके काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे, हमें इसे प्लेट पे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्पंज आई है। अब देखिए बिल्कुल फूला फूला है ये, जैसे कोई गुलाब जामुन की तरह। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंड बार का भी इसमें पेस्ट को इसमें डाल लिया है। मैंने इसलिए सेकेंड बार का भी पेस्ट में डाल लिया है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस पैन में हमें कैसे डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सेकेंड बार का भी इसमें डाल के बना लिया है। अब हम इसे सेकेंड बार का भी जो मैंने बैटर डाला था, अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं, ये खाने में बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स। मैं गांव से हूँ और मेरा प्रयास ये रहता है फ्रेंड्स कि मैं आपको जो मेरे पास अवेलेबल हो जाए फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको ये इजी बना के
दिखा दूँ फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सुबह का नाश्ता बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बना लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है। इसमें एक ही बार इस पैन में तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, देखिए बार बार हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसे एक ही बार तेल से ग्रीस किया था, उसके बाद मैंने 3 टाइम इसमें अप्पे डाले हैं। मेरे को सिर्फ मैं 1 ही टाइम इसमें तेल ग्रीस की हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मेरा हेल्दी नाश्ता बनके तैयार। धन्यवाद दोस्तों।